खबर 24 लाइव न्यूज। गाजीपुर सदर विधायक संगीता बलवंत ने आदर्श गांव हाथी खाना पर दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का किया उद्घाटन। विधायक संगीता बलवंत ने बताया कि इस आरोग्य मेले का उद्घाटन प्रदेश को रोग मुक्त कराने के लिए किया गया है। ये आरोग्य मेला हर रविवार को लगेगा। इस मेले में सभी प्रकार की जांच व दवाइयां मुफ्त दी जाएंगी। इस मेले का आयोजन हर रविवार को रहेगा। इससे हर व्यक्ति को महिला अपने संपूर्ण परिवार के साथ आकर अपना इलाज करा सके। इस अवसर पर गाजीपुर CMO डॉक्टर GC मौर्यास, विधायक सदर संगीता बलवंत, डॉक्टर ईशानी वर्धन, डॉक्टर संपूर्णानंद पांडे व 50 की संख्या में ग्रामीण मजदूरों महिला उपस्थित रहे। दिखाते हैं संवाददाता शिवम पांडे की यह रिपोर्ट। पुनः यह प्रारंभ किया गया है और प्रसन्नता इस बात की है कि यह प्रत्येक रविवार को आयोजित होगा। 10 बजे से सायं 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा, जिसमें आसपास के जितने लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या कोई भी किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इस मेले में आएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण के साथ साथ ही उसका उपचार भी किया जाएगा। और किसी भी तरह का वह रोगी हो, चाहे उसे फाइलेरिया की शिकायत हो, मलेरिया की, डेंगू की, एनीमिया की, या बच्चों को कोई रोग हो, या बच्चियों को कोई हो, बुजुर्गों को कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो सरकार की यह मंशा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ही जो हमारे इस प्रदेश की जनता है, नागरिक है, उनका परीक्षण किया जाए, उनको सुविधा दिया जाए और उसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही परीक्षण के साथ साथ ही उसका उपचार किया जाए। तो यह सहूलियत आप लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है और उसको प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा। रविवार का दिन इसीलिए रखा गया है कि इस दिन सारे लोग सुविधा अनुसार समय निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ जाएंगे और अपने शरीर में जो भी दिक्कत होगा उसको डॉक्टर के यहाँ कहेंगे और डॉक्टर तुरंत वहीं पे आपका परीक्षण भी होगा और वहीं पे आपका इलाज भी होगा। पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी हर प्रकार के। यहाँ पे हम लोग के गाजीपुर जनपद में अच्छे बाल चिकित्सक भी हैं। अभी हमारे बीच में अपन चिकित्सक का ज्वाइनिंग भी हुआ है, तो हमें लगता है कि और बेहतर ढंग से अब गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग अपनी सेवाएं देगा। काफी हमारे स्वास्थ्य विभाग की जुड़ी यहाँ पे बहनें भी हैं और उन बहनों से हमें लगता है कि जो आसपास के क्षेत्र की हमारी महिलाएं होंगी, बहनें होंगी।